वेलकम टू स्टडी आई क्यूब मैं नेम इज अमित वरीद किलोर और आज हम वज्र की बात करेंगे हु ड लाइक मिथोलॉजी राइट बड़े बड़े देवता राक्षसों से लड़ते हैं अगर आप इस फोटो को पहचानते हैं दो थोड़ी सी ड्रेमेटाइज है मतलब ये वाली फिगर ये वाली फोटो जनरली आपको अगर मैं इंद्र आपके सामने कहूँगा तो आपको याद नहीं आएगी परंतु दिस फोटोग्राफ रिप्रेजेंट द गॉड इंद्र जो देवताओं के देव हैं इंद्र ये उनको दर्शाती है और इनके अगर हाथ में आप देखेंगे तो जो इंद्र का जो ट्रेडिशनल मिथोलॉजिकल हथियार है जिसे कहा जाता है वज्र ये वो रिप्रेजेंट कर रहा है ये हिस्टोरिकल मिथोलॉजिकल बात है आजकल वज्र कुछ और हो गया है एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट द मॉडर्न वर्ड वज्र और आज मैं बात कर रहा हूं इस अमेजिंग सुपरकूल शिप की हमारा जो नेवी है या कोस्ट गार्ड है उसमें इस प्रकार की अमेजिंग अमेजिंग शिप्स रेगुलरली कमीशन होती रहती है ज्वाइन करती रहती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑल्सो कीप्स ए टैग ऑफ दीज इंफॉर्मेशन वो जानना चाहती है कि क्या आप डेली डे टू डे करंट अफेयर्स में इन चीज़ों पर ध्यान रखते हैं आज हम जानेंगे हमारे इस शिप के बारे में यहाँ पर अगर आप देखें नाम इस शिप का नाम है वज्र यानी कि इंद्र का हथियार और इंद्र का जो हथियार है वो बेसिकली मिथोलॉजिकल हथियारों में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग माना जाता है अपने सारे के सारे दुश्मनों का राक्षसों का संहार कर सकते थे इंद्र जी आ, इंद्र देवता अपने वज्र के द्वारा एंड हेंस हमारी जो नेवी के शिप हैं उसके कई सारे से जो नाम हैं हमारे टैंक्स के जो नाम हैं हमारे जो मिलिट्री वेपन्स के नाम हैं वो जनरली हमारी मिथोलॉजी से लिए जाते हैं कई बार इसी प्रकार से ये भारतीय तट रक्षक के एक नए जहाज का नाम जिसको नाम कहते हैं वज्र आइए जानते हैं इसके बारे में कि इसमें खास क्या क्या चीज़ है लार्सन एंड टूब्रो लार्सन एंड टूब्रो एक बहुत बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जो कि नेवी के शिप्स भी बनाती है कॉन्ट्रैक्ट लेती है उन्होंने ये ऑफशोर पेट्रोल वेसल ओ पी वी से कहा जाता है अलग अलग शिप्स अलग अलग प्रकार के पर्पस के लिए बनाए जाता है कुछ वॉरशिप्स होते हैं जो कि सिर्फ लड़ाई के लिए यूज होते हैं एंड दिस दीज आर पेट्रोल शिप इन पेट्रोल पेट्रोल्स वेसल्स जो होते हैं इनके ऊपर भी बंदूकें लगी होती हैं क्योंकि ये पेट्रोल शिप करते वक्त किसी भी समय कहीं पर जो पायरेट्स होते हैं उनसे भी भिड़ सकते हैं कभी कोई और दुश्मन भी इनके ऊपर अटैक कर सकता है तो ये भी सबके सब बड़े मॉडर्न हथियारों से लैस होते हैं रडार्स के साथ जहाज के साथ वज्र आईसीजी जी वज्र वॉज कमीशन इन टू द इंडियन कोस्ट गार्ड बाई विपिन रावत इज इज चीफ एंड चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ इन चेन्नई ठीक है चेन्नई में यह किया गया है आईसीजीएस वज्र इज सिक्स्थ वेसल इन द सीरीज ऑफ सेवन मतलब कि लार्सन एंड टूब्रो ऐसे सात इसी प्रकार के बड़े बड़े जहाज बनाकर हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड को देगा और ये उसमें से छठा था The seventh OPV ICGS was launched in October 2020 and is being readied for the sea trials. मतलब कि टोटल सात बनाने थे ये छठे वाला है जो कि अभी इस बार कमीशन हुआ है और सातवें वाला लॉन्च हो चुका है 2020 में अक्टूबर 2020 में बेसिकली OPV होते क्या है They are the long-range surface ships, लंबे दूरी तक तो बहुत दूर तक जा सकते हैं कितनी दूरी तक जान सकते भी जा सकते हैं केपेबल ऑफ ऑपरेशन इन मेरी टाइम जोन ऑफ इंडिया ऑब्वियसली इंक्लूडिंग आईलैंड टेरिटरीज विद हेलीकॉप्टर ऑपरेशन केपेबिलिटीज मतलब कि इन जहाजों के ऊपर हेलीकॉप्टर लैंड कर सकते हैं काफी बड़ा है आप उसका साइज देखेंगे तो आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं हेलीकॉप्टर के जहाज भी लैंड हो जाएंगे उनके ऊपर तो द रोल इंक्लूड्स कोस्टल एंड ऑफ पेट्रोलिंग पुलिसिंग मेरी टाइम ऑफ इंडिया कंट्रोल एंड सर्वेलेंस एंटी स्मगलिंग एंड एंटी पायरेसी ऑपरेशन विद लिमिटेड वॉर टाइम रोल्स जरूरत पड़ने पर अगर किसी देश के साथ युद्ध भी छिड़ जाता है तो भी इन ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स का प्रयोग किया जा सकता है लिमिटेड का मतलब यह है कि डायरेक्टली दूसरी नेवी को या दूसरी सेना को एंगेज नहीं करेंगे परंतु हो सकता है लॉजिस्टिक्स के लिए काम आ जाए जरूरत पड़ने पर अटैक भी किया जा सकता है उसमें ऐसे कोई रुकावट नहीं है ठीक है ओपीवी की अलग अलग जहाज का अलग अलग पर्पस होता है और वो कैपेबिलिटीज जानना बिल्कुल जरूरी है ICGS वज्र के बारे में उसकी प्रॉपर्टीज जानते हैं अट्ठानवे मीटर लॉन्ग मतलब कि 100 मीटर लंबा जहाज है अगर आप 100 मीटर दौड़ने की कोशिश करेंगे तो कम से कम मिनिमम 15 सेकंड लगेंगे और बहुत ज्यादा सांस फूल जाएगी मतलब इट्स अ वेरी सब्सटेंशियली लॉन्ग 15 मीटर वाइड है हैज ए 3.6 मीटर ड्रॉट 2140 टन की डिस्प्लेसमेंट है और 500 5000

इट कैन अटेन अ सस्टेन्ड स्पीड ऑफ अप टू 26 सिक्स नॉट्स द एंटायर डिजाइन एंड दस्ट्रक्शन जो कि अमेरिकन ब्यूरो ऑफ शिपिंग के द्वारा सर्टिफाइड है साथ में जो इंडियन रजिस्ट्रार और शिपिंग जो है उसके बावजूद उसने भी बेसिकली इस प्लान को सर्टिफाई किया हुआ है लेकिन आज मैं तुमसे एक इंपॉर्टेंट बात करता हूँ द वेरी इंपॉर्टेंट वन एंड आई एम होपिंग कि अभी तक जो पांच मिनट की क्लास हुई है उसमें आपके दिमाग में ये सवाल उठ चुके होंगे पहले से दीज क्वेश्चन यूपीएससी या कॉम्पिटेटिव एग्जाम पूछते हैं और बट इस क्वेश्चन ये करंट अफेयर आपके सामने आएगा तो आपको इसमें से कौन सी इंफॉर्मेशन कैप्चर करनी है और अपनी क्यूरियोसिटी कैसे बढ़ानी है ये बेसिकली डिसाइड करेगी कि आप एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर पाओगे या नहीं कर पाओगे आई चलो एक एक एग्जाम्पल से बात करते हैं यहां पर मैंने आपसे कहा कि वज्र कमीशन हो गया है वज्र हैज बिन कमीशन सेवेंथ ओपीवी विग्रह

जब ये सवाल करेगी क्योंकि यूपीएससी वज्र एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है ठीक है लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन के आगे क्या क्वेश्चन बनता है जिससे कट ऑफ निकलती है क्योंकि डायरेक्ट वाले सब कर लेंगे सबको याद रह जाएगा कि वज्र हुआ है। इन सब जब भी कोई करंट अफेयर पढ़ो तो इन्हीं चीजों को ढूंढने की कोशिश किया करो कि उस करंट अफेयर्स में से मुझे पता क्या नहीं है द बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम देखते हैं इसके अंदर कुछ कुछ इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीजें स्टार्टिंग विद द ड्रॉट अब वैसे लॉजिक भी लगाना थोड़ा सा ठीक है हम उसको हम जब स्टेटमेंट पढ़ रहे थे पीपीटी पे तो हमने देखा कि अट्ठानवे मीटर लंबी है और पंद्रह मीटर वाइड है और उसके बाद लिख दिया गया कि ड्रॉट है कितना साढ़े तीन मीटर का थ्री पॉइंट सिक्स मीटर्स का वैसे लॉजिकली लगा लेना चाहिए था कि जब लेंथ की और ब्रेथ की बात हो चुकी है तो बचा हुआ हाइट की ही बात होनी चाहिए राइट लेकिन यहां पर इसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस ये था लॉजिक के बाद कि जो ड्रॉट होता है उस चीज को कहा जाता है जो कि शिप का सबमर्ज हिस्सा होता है ठीक है तो ये जो हमारा वज्र जो जहाज़ है शिप है वो है थ्री पॉइंट सिक्स मीटर ये भी बात ध्यान रखिएगा कि ये स्टैंडर्ड है बिना किसी फ्यूल के या किसी और से क्योंकि अगर फ्यूल डाल दोगे इसके अंदर और इतना फ्यूल जो कि पाँच हजार नॉटिकल माइल्स तक चल सके तो वो तो बहुत मतलब हजारों टन में वो फ्यूल होगा तो ये और ज़्यादा नीचे सबमर्ज हो जाएगा अगर इस पर लॉजिस्टिक्स डाल देंगे सामान डाल देंगे तो और भी ज़्यादा हो सकता है परंतु एक शिप जब निकलेगा तो उसका एक स्टैंडर्ड वेट जैसे गाड़ी जो होती है अब गाड़ी जब शोरूम से निकलती है तो उसका एक स्टैंडर्ड वेट बताया जाता है अप्रॉक्सीमेटली लैसे से 1400 किलो 1700 किलो 1800 किलो अब उसके बाद उसमें सामान रख देने के बाद उसमें लोग बैठने के बाद तीन चार पाँच वो तो अलग अलग वेट के हिसाब से अलग अलग वेट हो जाएगा परंतु जब हमारा वज्र आई वज्र जो है शोरूम से निकला तो उसका जो ड्रॉट है वो है 3.6 मीटर दिस इज द ड्रॉट इसके बाद आता है कि वो नॉटिकल माइल चल सकता है कितने नॉटिकल माइल 5000 हजार नॉटिकल माइल फिर दोबारा से अगर इसको देखें ये ड्राफ्ट है ड्राफ्ट और ड्रॉट सेम ही चीज होती है याद रखिए द सबमर्जेंस ठीक है लेंथ ऑब्वियसली हम जानते हैं और उसके बाद जो ड्राफ्ट के ऊपर जो भी चीज है उसको फ्री बोर्ड कह दिया जाता है ठीक है जितना भी शिप का ऊपर का हिस्सा होता है पानी के ऊपर उसको फ्री बोर्ड कह दिया जाता है वेरी इजी नथिंग स्पेशल अबाउट इट आते हैं अब नॉटिकल माइल्स के ऊपर एक नॉटिकल माइल वैसे हमारी जोग्राफी की एनसीआर के पहले चैप्टर में इलेवंथ क्लास के, के पहले चैप्टर में ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है परंतु इसे याद कर लीजिए क्योंकि बड़ा छोटा सा फैक्ट है जनरल मेंटल एबिलिटी में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ऐसे डायरेक्टली तो कोई आपसे नहीं पूछेगा ऑब्जेक्टिवली जीएस में परंतु जनरल मेंटल एबिलिटी में ये फिगर आपके लिए काम की जरूरी है कि वन नॉटिकल माइल इज इक्वल टू वन पॉइंट एट फाइव टू किलोमीटर्स ईजी है कोई प्रॉब्लम नहीं है अब आपके साथ एक कैच है वन नॉट कितना होता है अब यहां पर आपकी जो ओरिजिनल कॉमन सेंस जो कि आपका एप्टीट्यूड होता है जो कि आपकी समझदारी होती है वो काम आ जाती है वट इज वन नॉट अब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है ये दोनों की दोनों चीजें अलग अलग नहीं है इट इज दे आर नॉट डिफरेंस 5000 नॉटिकल माइल और इसकी स्पीड है छब्बीस नॉट क्योंकि हम नेवी से संबंधित बात कर रहे हैं पानी से संबंधित बात कर रहे हैं तो मरीन से संबंधित बात कर रहे हैं तो जो फिगर्स होंगे देखा कि वन पॉइंट ठीक है वहां पर हमारी जो शिप है उसकी स्पीड है छब्बीस नॉट नॉट अगर लॉजिकली सोचा जाए और अगर उस समय ना भी याद हो सपोज कीजिए सिर्फ नॉटिकल माइल्स याद है परंतु उस समय जब आप अपना दिमाग दौड़ाएंगे कॉमन सेंस लगाने की कोशिश करेंगे तो यू वुड रियलाइजी सिक्स नॉट यानी कि वन नॉट इज इक्वल टू वन नॉटिकल माइल पर आर यानी कि 1.852 पॉइंट एट पर आर डिस्टेंस को स्पीड के अंदर कन्वर्ट करना था इस काफी सरल है वट इज वन नॉट वन नॉट इज 1.852 किलोमीटर पर आर यानी कि हमारी जो जहाज है वो चलती है 26 नॉट की स्पीड से तो उसकी किलोमीटर में अगर स्पीड निकालेंगे तो 26 सिक्स इंटू वन पॉइंट एट फाइव टू किलोमीटर्स पर आर की स्पीड से बेसिकली हमारी शिप चल सकती है अप्रॉक्सिमेटली अप्रोक्सीमेटली अगर लगाया जाए तो 45 किलोमीटर पर 45 से 50 के बीच में कुछ आ जाएगा राइट right? कोई शक की बात नहीं है चलिए आगे चलते हैं एक दो और सवाल बाकी होंगे इसके अंदर डिसप्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट वैसे हमने बचपन में पढ़ा था आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स के साथ डिस्प्लेसमेंट का सिंपल अर्थ होता है कि जब शिप पानी में रख दिया जाए तो वो कितना पानी डिस्प्लेस करता है बेसिकली शिप का टोटल वेट उस चीज़ को डिस्प्लेसमेंट टनेज कहा जाती है हमारी जो शिप है अगर हम देखेंगे तो दो टन की है सिंपल बात है इतना सारा जैसे ही उसको शिप को पानी में डाला गया इतना पानी समुद्र का डिस्प्लेस कर दिया गया दिस इज सिंपल हाँ इसमें यह है कि इसके अंदर क्योंकि कुछ भी कई कई चीज़ें चेंज हो सकती हैं आप इसमें फ्यूल ऐड कर देंगे इसमें पानी कुछ ऐड कर देंगे कई बार पानी इसके अंदर जो शिप के कुछ नीचे के जो कंटेनर्स होते हैं उसको पानी से भी भर दिया जाता है शिप के वेट को बढ़ाने के लिए कम करने के लिए जरूरत करने के लिए आ, कहीं से बाहर निकालने के लिए अब कभी हल्का करना पड़ता है कभी भारी करना पड़ता है तो उसको स्टैंडर्ड डिस्प्लेसमेंट टनेज कहा जाएगा अगर अब इसके ऊपर सपोज कीजिए कुछ कार्गो लोड कर लिया गया तो वो और ज़्यादा हो जाएगी जब पूरा का पूरा शिप को मेजर किया जाएगा तो उसको ग्रॉस टनेज कहा जाएगा तो बस इसमें सिंपल सरल बात यह है कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब यह है कि पानी कितना डिस्प्लेस किया जाता है इतनी देर से एक सवाल है जो कि आप पूछना चाहते हैं बहुत अच्छा सवाल है वो भी सर ये आई क्यों लिखता हुआ है आगे क्या लिखा है इसका क्या मतलब हुआ ये भी बिल्कुल वैलिड बात है आई अब हमारी शिप्स जो देखेंगे दो प्रकार के नाम देखेंगे या तो आपकी शिप के आगे आई लिखा होता है ठीक है आई एन एस अरिहंत ऐसे एक शिप होगी या फिर आपकी शिप के आगे लिखा होगा एस वज्र आईसीजीएस का मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड शिप और आई एन एस का मतलब इंडियन नेवी शिप सरल बात है आसान है एक बार याद हो जाए ये तो भूलने वाली अब दोबारा तो कभी नहीं भूलोगे ये वाली बात ठीक है तो इमीजिएटली शिप के नाम से पता चल जाएगा कि नेवी की शिप है या कोस्ट गार्ड की शिप है इसमें भी कोई सरलता की बात नहीं है

देखो कमीशनिंग जो शिप होती है उसका मतलब होता है कि फाइनली ये शिप जिस पर्पज के लिए बनी थी उसके लिए यूज होने लग गई मतलब कि इसके बाद अब बेसिकली वो शिप बन चुकी है परमानेंट कमीशन का मतलब है कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने उसे ले लिया है और कल से उस पर पे पेट्रोलिंग स्टार्ट हो चुकी है जैसे ही बिपिन रावत ने इसको बेसिकली इनोग्रेट किया अब उसके ऊपर इस समय हमारे कोस्ट गार्ड तटरक्षक उसको यूज कर रहे होंगे उसको चला रहे होंगे उसको पेट्रोलिंग के लिए यूज कर रहे होंगे दैट इज नोन एज कमीशन ज दाइनल स्टेज ऑफ ए शिप ठीक है लॉन्च का क्या मतलब होता है लॉन्च का मतलब होता है जब कोई भी शिप पहली बार पानी पर उतारी जाती है ठीक तो है तो देखिए आप एग्जाम्पल देखिए वह सेवेंथ है तो सेवंथ लॉन्च का मतलब है कि लॉन्च कमीशन से पहले हो जाता है क्योंकि शिप बनती तो जमीन के ऊपर ही होगी पानी के अंदर तो नहीं बनाते हैं तो जहां पर बनाते हैं शिप को उसके बाद फाइनली जब वो प्रिपेयर हो जाती है एक दिन उसको उसको पानी पानी पर पर भी उतारना पड़ता है 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 दैट दैट इज इज द द मोमेंट मोमेंट फॉर शिप नोन एज लॉन्च तो जो विग्रह उतार दिया गया है और उसके ऊपर टेस्ट चल रहे हैं ठीक है कि वो सी के लिए रेडी है या नहीं रेडी है आईसीजीएस वज्र जो कि पहले से ऑब्वियसली कम से कम एक साल पहले पानी पर उतार दी गई होगी यानी इसका लॉन्च पहले ही हो गया होगा और अब कमीशन कर दी गई है तो ये दोनों के दोनों कॉन्सेप्चुअल इन्फॉर्मेशन को आप याद करिएगा और इसी प्रकार से फोकस किया कीजिए जो स्टैटिक या करंट अफेयर जो पढ़े उसमें से कौन सी इंफॉर्मेशन आपको याद करनी है पढ़नी है इस न्यूज को पढ़ के आगे मत निकल जाना क्यूरियोसिटी के द्वारा जो भी दिस टू एवरी न्यूज दिस अप्लाई टू इस न्यूज का ये मत सोचना कि ये बस साली सिर्फ और सिर्फ वज्र पर अप्लाई होती है दिस अपलाईज टू ऑलमोस्ट एवरी न्यूज जिस भी शब्द का मतलब ना पता हो कॉन्सेप्ट का मतलब ना पता हो उसको उस करंट अफेयर की न्यूज से उठाओ और उसको याद करो क्यूरियोसिटी जगाओ दिस इज द डिफरेंस दैट विल मेक इन कट ऑफ कट ऑफ पे यही डिफरेंस होगा एक बच्चा है जो कि सिर्फ रट्टा लगा के गया है वज्र का और दूसरे वाला समझ के गया है कि आईसीजीएस आईसीजी क्या होता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है लॉन्च क्या होता है टनज क्या होता है कमिश्निंग क्या होता है ड्रॉट क्या होता है एंड दिस कैन बी पूछा जा सकता है बहुत ही सरल क्वेश्चन है और सरल है परंतु तो किसी को आएगा नहीं आपके सिवाय इस समय जिस जिसने वीडियो देखा है वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों के साथ ठीक है ऐसा मत सोचना कि सिर्फ मुझे मुझे याद हो जाएगा इनके इनकेस आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो इस टेलीग्राम चैनल पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं वेयर द पी डी एफ्स एंड द नोटिफिकेशन आर शेयर राइट अगर आपको कोई और डाउट है नेवी शिप्स के बारे में इंडियन कोस्ट गार्ड शिप्स के बारे में स्टिल यू कैन कनेक्ट टू मी ऑन सोशल मीडिया एंड थ्रू द टेलीग्राम चैनल हम बात कर सकते हैं राइट एंड इफ यू लाइक द वीडियो तो इस यूट्यूब वीडियो के नीचे जरूर बताइएगा थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स हैव अ वेरी नाइस डे